तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन कीट्स के शॉर्ट बायोग्राफी के बारे में। उसके पहले अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जॉन कीट्स अंग्रेजी रोमांटिक कवि थे। वे 25 साल की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस से अपनी मृत्यु से केवल 4 साल के लिए प्रकाशन में काम करने के बावजूद लॉर्ड बायरन टीबीसी शैली के साथ रोमांटिक कवियों के दूसरी पीढ़ी के मुख्य व्यक्तियों में से एक थे। हालांकि उनकी कविताओं को आम तौर पर आलोचकों द्वारा उनके जीवन काल में अच्छी तरह से प्राप्त नहीं किया गया था, परंतु उनकी मृत्यु के बाद उनकी कविताओं को आलोचकों द्वारा बहुत प्रशंसा मिली और वे 19वीं शताब्दी के अंत तक सभी अंग्रेजी कवियों में सबसे प्रिय बन गए। किट्स की कविताओं खासकर ऑड्स में सेक्सुअल कल्पना की विशेषता है। यह रोमांटिक कवियों की खासियत है क्योंकि इनका उद्देश्य ही प्राकृतिक कल्पनाओं पर जोर देकर चरम भावना को व्यक्त करना है। जॉन किट्स का जन्म 31 अक्टूबर 1975 ईस्वी को थॉमस किट्स और उनकी पत्नी फ्रांसेस जिनिंग के घर लंदन के मॉर्गेट के इसी घर में हुआ था। बचपन में उन्होंने डेन स्कूल में भेजा गया क्योंकि वे ईटन और हैरो का खर्च उठाने में असमर्थ थे, इसीलिए इनफील्ड अपने माता पिता के घर के करीब रहे। परिवार के माहौल में जॉन किट्स ने क्लासिक और इतिहास में रुचि ली जो उनके छोटे से जीवन काल के दौरान उनके साथ रहा। जॉन किट्स हेडमास्टर के बेटे कान डाउन क्लर्क के दोस्त बन गए जो टैसो स्पेंसर और चैपमैन के अनुवाद सहित पुनर्जागरण साहित्य से उनका परिचय कराता रहा। उन्होंने अपनी ध्यान और ऊर्जा पढ़ाई पर फोकस की और वे 13 साल की उम्र में 1809 ईस्वी में शैक्षणिक पुरस्कार प्राप्त किया। अप्रैल 1804 में जब किट्स 8 साल के हुए तो उनके पिता की मृत्यु घोड़े से गिरने के दौरान एक्सीडेंट में हो गई जब वे स्कूल से किट्स और उनके भाई जॉर्ज की यात्रा से लौट रहे थे। उनकी माँ फ्रेंसिस ने 2 महीने बाद फिर से शादी कर ली, लेकिन उन्होंने अपने नए पति को शीघ्र ही छोड़ दिया और बच्चों की उडमोंटन के घर में दादी एलियस जेनिंग के घर में रहने लगे। मार्च 1810 ईस्वी में जब किट्स 14 साल के हुए तो उनकी माँ की मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस से हो गई जो अपने बच्चों को उनकी दीदी के कस्टडी में छोड़कर चली। उसने देखभाल के लिए अपने अभिभावक रिचर्ड ओबी और जॉन सेंडल को नियुक्त किया। जॉन किट्स ने थॉमस हैंड के साथ एक सर्जन और एक भोसड़ी के साथ प्रिंस के स्कूल छोड़ दिया। हेमुंड किट्स के साथ प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद गाइड स्कूल में मेडिकल छात्र के रूप में नामांकन लिया और 1815 ईस्वी में अध्ययन शुरू किया। इसे किट्स के सर्जन बनने की इच्छा झलकती है। हालांकि किट्स अपने मेडिकल कैरियर में तेजी से प्रशिक्षण ले रहे थे लेकिन सहजता महसूस नहीं की और उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ दी और उन्होंने अपनी 19 साल की उम्र में अपनी पहली पुस्तक 1814 ईस्वी में द इमिटेशन ऑफ स्पेंसर प्रकाशित किया। वे अपने साथी कवि लाई हंट और लॉर्ड बायरन से प्रेरित होकर कवि बनने का संकल्प लिया और उनकी आर्थिक स्थिति भी दयनीय थी। सन 1916 ईस्वी में किट्स को एपोथेसरी का लाइसेंस मिला जो उन्हें सर्जन के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाया, लेकिन उन्होंने अभिभावकों से वर्ष के अंत में घोषणा की उन्हें कवि बनना है न कि सर्जन। हालांकि वे सर्जन के दौरान भी सोनेट और साहित्य को पढ़ने में अपना अधिक से अधिक समय लगाते थे। मई 1816 ईस्वी में लाई हंट किट्स की पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए तैयार हो गए और अपनी पत्रिका लिबरल मैगजीन ऑफ डे प्रकाशित की और इसके 5 महीने बाद हंट से प्रभावित होकर किट्स ने फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ किट्स वरेज प्रकाशित की। इसके बाद
उन्होंने बहुत सारे ऑड्स लिखे, जैसे ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमन होमर, ऑड ऑन जॉर्जियन यूडन, ऑड टू साइकी, ऑड टू अ नाइटिंगेल, ऑड ऑन अ मेलंकोली। सन 1819 ईस्वी में लॉन्ग पोएम्स लिखा, जिसमें द ईव ऑफ सेंट एग्नीज, ला बोले डेम सेंस मर्सी, हाइपेरियन, लामिया प्रसिद्ध है। मई 1817 ईस्वी में किट्स इसाबेला जॉन्स के दोस्त बन गए, जब वे छुट्टी पर बोपीप के गांव के निकट हेस्टिंग में थे। वह किट्स के द्वारा बहुत ही प्रतिभाशाली और सुंदर वर्णित है, जो किट्स के जीवन का हिस्सा बन गए। सन 3 अप्रैल 1819 को ब्राउन और उसकी विधवा माँ दिलके के वेंटवर्थ प्लेस के दूसरे हिस्से में चले गए, और किट्स और ब्राउन हर एक दिन एक दूसरे को देखने में सक्षम थे, और यहाँ पर फैनी ब्राउन और किट्स में प्यार बढ़ा। किट्स ने फैनी को बहुत सारी किताबें पढ़ने के लिए दी। उन्होंने ब्राउन को एक सोनिट ब्राइट स्टार दिया, जिसमें वी अपने रिलेशन को दर्शाए थे। किट्स की सारी इच्छाएं फैनी पर केंद्रित थी, लेकिन कुछ दिनों बाद शीघ्र ही जॉन किट्स के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वी अवसाद, तनाव और बीमारी से घिर गए, जो उनकी कविता द ईव ऑफ सेंट एग्नीज और ला बोले डेम्स सेंस मर्सी में देखने को मिलती है, जिसमें उन्होंने प्यार और मृत्यु दोनों का वर्णन किया। सन 13 अक्टूबर 1819 में किट्स ने फैनी को सैकड़ों लेटर्स लिखे, जिसमें उन्होंने लिखा था माई लव हैड मेड मी सेल्फिश, मतलब मेरा प्यार मुझे स्वार्थी बना दिया है। आई कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट यू, मतलब तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। आई एम फॉरगेटफुल एवरी थिंग बट आई सीइंग यू अगेन, मतलब मैं हर चीज़ों को भूल रहा हूँ और तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। माई लाइफ सीम्स स्टॉप देयर, मेरा जीवन वहाँ रुक जाएगा। आई सीम्स नो फर्दर, आगे मैं तुम्हें नहीं देख पाऊँगा। यू हैव अब्सॉर्ब्ड मी, आपने मुझे अवशोषित कर लिया है। ट्यूबरक्लोसिस के कारण डॉक्टर्स ने उन्हें गर्म जलवायु में जाने की सलाह दी, और वे सितंबर 1920 ईस्वी में रोम चले गए, जहां से उन्होंने उसके बाद फैनी से कभी नहीं मिला, और वे पत्र लिखने में भी असमर्थ हो गए। 14 नवंबर को वे रोम के गर्म जलवायु में इसी घर में पहुंचे, जिसे आज लोग किट्स एंड सैली मेमोरियल हाउस के नाम से जानते हैं। किट्स की मृत्यु 25 साल के उम्र में ही 23 फरवरी 1821 ईस्वी को रोम में ही हो गई। उनके शरीर को शहर के प्रोस्टेंट शहर में दफनाया गया। उनका अंतिम अनुरोध था कि उनके कब्र पर उनकी नाम की जगह ये वाक्य लिखा जाए, हियर लाइज वंस हुज नेम वाज रिट इन वाटर, मतलब यहाँ वह लेटा है जिसका नाम पानी के बुलबुलों पर लिखा था। मतलब उनकी ज़िंदगी बहुत कम थी, वे चाहते थे कि लोग उनको उनके नाम से नहीं, बल्कि लोग उनको उनके कृतियों के लिए जानें।